हर हर मोदी घर घर मोदी, जिसके घर में मोदी उसके घर से गैस का बाटला बाहर, यानी कि गैस का बाटला को नदी में फेंका जा रहा है, गटर में फेंका जा रहा है, क्योंकि गैस भराने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि सरकार ही ऐसी बना ली है, लोगों ने ऐसे लोगों को वोट दे दिया है जो सरकार चोर उचक्की है, लोगों के जेब पे डाका डाल रही है। मैं आपको ये वीडियो पूरा दिखाऊंगा कि गैस का बाटला को तालाब में फेंका जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे जो लकड़ी है उसको लोग उठाकर लेके जा रहे हैं, उसमें खाना बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गैस खरीदने का सलाहियत अब इंसानों के पास नहीं रहा है। जो गैस 450 रुपए में मिलता था, आज वो 1000 रुपए हो गया है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये एक लौता वीडियो नहीं है दोस्तों, सोशल मीडिया पे आपको ऐसे हजारों वीडियो मिलेंगे जहां पे लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कभी सिलेंडर फेंका जा रहा है गटर में, कभी सिलेंडर तालाब में फेंका जा रहा है, कहीं पे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है वहां पे नारे लगाए जा रहे हैं, या फिर पेट्रोल पंप का पूरा एक बॉक्स बनाकर, मैंने आपको आगे वीडियो में भी दिखाया कि किस तरीके से पेट्रोल पंप का बॉक्स बनाकर लोग अपने घर से बाहर निकल रहे। लेकिन इस बीच आपने एक चीज और देखा है कि जिसका दाम, जो हमारे रोज की जरूरत है, उसका दाम आसमान छू गया, जिसका नाम है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का दाम हो चुका है 200 रुपए, 160 रुपए, 170 रुपए, अलग अलग कंपनी अलग अलग दाम। तो जो तेल आपको 110 या फिर 95 रुपए, 100 रुपए के अंदर में मिलता था, आज उसका कीमत 200 रुपया हो गया है। सीधा सीधा आम पब्लिक, आम जनता के जेब पे डाका डाला जा रहा है, और मोदी सरकार खामोश बैठी हुई है, इस पे कोई भी बात नहीं करना चाहती। जब कांग्रेस का वक्त था तो चूड़िया फेंका जाता था, चूड़िया भेजा जाता था प्रधानमंत्री को, आज लेकिन इन लोगों को एक सांप सा सूंघ गया है, अपने घर में ये लोग पैक हो गए। गैस और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम पे आप क्या राय रखते हैं, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सच देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।